हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल एंड वेलकम टू टेक इंजीनियर। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा यूट्यूब की तरफ से जो है नई पॉलिसी निकल के आई है। पहले जो पॉलिसी थी दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है अप्रैल 2017 को जो है यूट्यूब ने एक पॉलिसी लाया था, जिसके तहत जो है आपको 10,000 व्यूज कंप्लीट करना था, उसके बाद ही जो है आपका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल होने वाला था। लेकिन अभी जो है दोस्तों यूट्यूब ने नई पॉलिसी लाई है, तो आपको जो है इसके लिए जो है 4,000 होवर्स, आपको जो है 4,000 होवर्स का जो है वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद जो है 1,000 सब्सक्राइबर आपके जो है कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपने ये क्रिटेरिया अगर कंप्लीट कर लिया हो और आप जो है मोनेटाइजेशन जो है इनेबल कर सकते हो और यूट्यूब से जो है अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इससे रिगार्डिंग जो है बहुत से लोगों को जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस तरह से जो है पॉलिसी वर्क करने वाली है, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से कुछ मैंने जो है क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए है और इसके ऊपर मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना जो है क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूँ, और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी यूट्यूबर होगा जो कि ओल्ड यूट्यूबर है या फिर नया यूट्यूबर है, इस पॉलिसी के तहत अगर उसने अगर जो है ये जो थ्रेशोल्ड है या फिर जो ये नया क्रिटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स का 4000 ओवर्स वॉच टाइम, अगर ये जो है कम्प्लीट नहीं कर सके तो आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, आपका यूट्यूब अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा या फिर जो है जीमेल अकाउंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों, बात ये है कि आपके जो YouTube चैनल या फिर आपका जो YouTube अकाउंट है या फिर आपका Gmail अकाउंट है या फिर आपका AdSense अकाउंट है, इन तीनों पे जो है दोस्तों आपका कोई भी जो है फ़र्क नहीं गिरने वाला है। ये जो पॉलिसी दोस्तों सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए है, अगर आपने ये क्रिटेरिया कंप्लीट कर लिया तो आप मोनेटाइजेशन जो है इनेबल कर सकते हो, नहीं किया तो आपका मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो जाएगा। तो ये जो अकाउंट के लिए जो क्वेश्चन था, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, आपका जो है यूट्यूब अकाउंट, एडसेंस अकाउंट और जीमेल अकाउंट भी जो है कंटिन्यू चालू रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 20 फरवरी 2018 से जो भी नए कंटेंट क्रिएटर हो गए, नए यूट्यूबर हो गए, वो अपना चैनल यूट्यूब पे बना सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, यस, यूट्यूब पे कोई भी जो है अपना चैनल क्रिएट कर सकता है, अगर उनको मोनेटाइजेशन जो है इनेबल करना है तो ये जो है क्रिटेरिया कंप्लीट करना होगा, या फिर जो है आप कंटिन्यू यूट्यूब पे आपके वीडियोस अपलोड कर सकते हो और यूट्यूब पे आपका अकाउंट चला सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आता है वो है, क्या है ये जो क्रिटेरिया या फिर ये जो नई पॉलिसी है ये सिर्फ ओल्ड यूट्यूबर्स के लिए या फिर जो है न्यू यूट्यूबर्स है उनके लिए है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये पॉलिसी दोनों भी यूट्यूबर्स के लिए है, जो कि ओल्ड यूट्यूबर्स हो गए या फिर जो नए यूट्यूबर्स हो गए, तो दोनों के लिए ये जो है सेम पॉलिसी वर्क करती है। अगर पुराने यूट्यूबर्स ने जो है 4000 होवर्स वॉच टाइम कंप्लीट नहीं किया है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको भी जो है ये जो है क्रिटेरिया कंप्लीट करना है, और जो नए सब्सक्राइबर आने वाले हैं उनको भी ये जो है कंप्लीट कर लेना है विद इन 12 मंथ्स। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि पुराने यूट्यूबर्स है जिन्होंने कुछ अपने यूट्यूब अकाउंट में जो है अर्निंग कर ली है, $14, $50, $60, $70, $80, $90 जो कुछ भी कर ली है, तो ये जो है दोस्तों अर्निंग आपको मिलेगी या नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, यस, आपको ये जो अर्निंग मिलेगी, लेकिन जो एडसेंस का थ्रेशोल्ड है यानी कि $100 कंप्लीट होने के बाद आप उसको जो विड्रॉ कर सकते हो, तो आप जब भी जो है $100 कंप्लीट कर लोगे तब आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो शॉर्टकट में बताने का यही एक तरीका है कि आपको जो है YouTube की पॉलिसी के तहत ये जो क्रिटेरिया है कंप्लीट करना होगा, इसके बाद ही जो है आपका $50, $60, $70, $80 जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो इसके बाद में। हाँ ठीक है, अगर आपको एक मंथ का जो है वन मंथ का बहुत से यूट्यूबर्स को टाइम दिया गया है, इसके अंदर आपको जो है आपका क्रिटेरिया कंप्लीट करना है, इसके अंदर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो आपको एक टाइम दिया गया है यूट्यूब की तरफ से कि अगर आप वन मंथ के अंदर जो है आपके जो डॉलर कुछ भी यूट्यूब पे जो है पड़े हुए हैं उसको आप जो है $100 तक कर लीजिए जल्दी से वीडियोज डाल के, उसके बाद आप जो विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर जो पुराने यूट्यूबर्स हो गए जो कि ओल्ड यूट्यूबर्स है, उन्होंने अगर ये जो क्रिटेरिया कंप्लीट नहीं कर लिया, तो इनके जो भी वॉच टाइम्स है या फिर इनके जो सब्सक्राइबर
अभी मान के चलो कि एक चैनल है जिनके सब्सक्राइबर 900 सब्सक्राइबर है और उनका वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4000 आवर्स वॉच टाइम इन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनके सब्सक्राइबर 900 है, तो उनको और जो है 100 सब्सक्राइबर चाहिए ये क्रिटेरिया कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर इस एक महीने में उन्होंने कंप्लीट नहीं कर लिया तो 20 फरवरी 2018 से क्या ये जो वॉच टाइम है, क्या ये जो सब्सक्राइबर्स है उनके आने वाले टाइम में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद जो मॉडरेशन जो है इनेबल हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे YouTube क्या करने वाला है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है आपका जो वॉच टाइम है वो कंटिन्यू जो है 12 मंथ का जो है रखने वाला है पीरियड। आपको जो है 12 मंथ के अंदर यानी कि एक साल के अंदर ही दोस्तों ये जो है 1000 सब्सक्राइबर और जो है ये 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पहले जो है इससे पहले जो वॉच टाइम होगा आपके चैनल का या फिर इससे पहले जो सब्सक्राइबर होंगे आपको लगता होगा कि आने वाले समय में या फिर आने वाले 20 फरवरी 2018 के बाद जो है आपके सब्सक्राइबर में ये जो है ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। मान के चलिए कि आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर है और आने वाले 20 तारीख के बाद आप 500 गेन कर लेते हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो जो 500 सब्सक्राइबर आपके है ऑलरेडी वो छोड़ के YouTube जो है आपसे और 1000 सब्सक्राइबर लेगा, उसके बाद ही जो मोनेटाइजेशन ऑन करने वाला है। फ्रेंड्स YouTube ने ऐसा एल्गोरिथम बनाया है कि जिसके तहत आपका जो चैनल है कंटिन्यू 1 मंथ के बाद जो है चेक होने वाला है, तो उसमें जो है फ्रेंड्स देखा जाएगा कि पिछले 12 मंथ्स में आपने जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और जो है 4000 व्यूअर्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। तो ऐसा जो है कंटिन्यू दोस्तों ये जो एल्गोरिथम है हर महीने जो है आपके चैनल को चेक करते रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये जो आपको क्रिटेरिया दिया गया है कि आपको जो है 4000 आवर्स जो है वॉच टाइम कंप्लीट कर लेना है, तो इसको जो है आप कितने वीडियो अपलोड करके जो है कंप्लीट कर सकते हो, तो इसका जो है दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एक वीडियो डाल के भी जो है इसका जो है क्रिटेरिया कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो 100 वीडियोज़ डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, आप जितना मर्जी चाहे डाल सकते हो। सब वीडियोज़ का मिल के जो है सब्सक्राइबर्स जो है आप जितने भी गेन कर लेंगे सभी वीडियोज़ का मिल के और जितने भी वीडियोस का मिलके टाइम हो जाएगा दोस्तों, ओवरऑल जो है आपकी जो है प्रोग्रेस देखी जाएगी, उसके बाद ही जो है आपका मोनेटाइजेशन जो है ऑन हो जाएगा। तो आप जितने चाहे उतने जो है वीडियोस डाल सकते हो आपके यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब ने दोस्तों अप्रैल 2017 को जो रूल लाया था, जो कि पॉलिसी लाई थी कि आपके जो है 10,000 व्यूज कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आप मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, तो ये जो है अभी भी जो है रूल आपके चैनल को लागू होता है, आपके चैनल के लिए जो है अप्लाई होता है या फिर नहीं? फ्रेंड्स YouTube का जो पुराना वाला रूल था 10K के बाद जो है आपका मोनेटाइजेशन जो इनेबल हो जाएगा, जो नया पॉलिसी अभी YouTube की तरफ से आया है उसके तहत अगर देखा जाए तो आपका 10K व्यूज़ बहुत ही कम है, तो आप इसको जो आपके चैनल पे अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आप जो है उसको मान के नहीं चल सकते कि आपके 10K व्यूज़ होने के बाद जो है मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। आपको 4000 आवर्स वॉच टाइम जो है कंप्लीट कर लेना है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको कम से कम 1 से लेकर 2 लाख तक जो है आपके चैनल पे व्यूज़ लाने हैं। डिपेंड करता है आपका एक वीडियो चलता है, 10 वीडियो चलते हैं और आपका जो वीडियो होगा उसका टाइम क्या होगा, 1 मिनट का चलता है, 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का। अगर आपका वीडियो एक ही चल जाता है लेकिन उसका जो वॉच टाइम है वो 3 मिनट का होगा, तो आप ये क्रिटेरिया जल्दी से कम्प्लीट कर सकते हो। लेकिन आपके 10 वीडियो भी चलते हैं लेकिन उसका टाइम जो है 15 सेकंड होगा, तो आपको ज़्यादा वीडियो आपके YouTube पे डालने होंगे और व्यूज़ लाने होंगे, तो इस हिसाब से जो है ये वर्क करता है। और जो क्वेश्चन का आंसर है कि 10K मोनेटाइजेशन जो है अभी भी अप्लाई होने वाला है या फिर नहीं, तो नहीं दोस्तों ये जो है 10K का आप भूल जाइए। अभी जो नया मोनेटाइजेशन पॉलिसी आया है उस पर जो है आप ध्यान रखिए और आपका बेस्ट दीजिए YouTube वीडियोस डालने में, आपका बेस्ट दीजिए YouTube पर वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू यूट्यूबर्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो बहुत से लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं नए यूट्यूबर्स हैं उनको पता चल सके और बहुत से जो है लोगों के जो है क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।